दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो पे आप लोग देखेंगे दोंग विलेज से काहू तक का जर्नी। काहू जो गांव है ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पे है। इस गांव को जो है इंडिया का फर्स्ट विलेज भी बोला जाता है। काहू पहुंचते पहुंचते मैं आप लोग को दिखाऊंगा किबीदो नाम का और एक ब्यूटीफुल विलेज जो कि काहू की जैसा ही बहुत ज़्यादा फेमस है। सो वॉच द ब्लॉग टिल द एंड टू विटनेस सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक साइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दोंग विलेज, यहाँ से सीधा जाएंगे किबीदो की ओर। रूट मैप जो है मैंने मोबाइल से हटा दिया क्योंकि मोबाइल पे जो है अभी भी ठीक से कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा है, इसीलिए किसी से पूछेंगे कि आगे तक जो है रास्ता कहाँ पे कैसा है और उस हिसाब से जो है आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आखिरकार जो है एक गलत रोड पर मैं आ ही गया। ये वाला रोड आगे जाके कहाँ पर लेके जाता है आप लोग देखिए। अरे यहाँ पे तो रोड ही नहीं है, ले बाइक को कैसे घुमाऊं। और दोस्तों इस सिचुएशन पे मुझे जो है नेपाल का मुस्तांग वाला राइड का पूरा याद आ रहा था। दोस्तों बाइक को जो है इस कंडीशन से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। उस जगह पे बाइक को टर्न करने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि वो थोड़ा इंक्लाइन में था वो जगह, इसलिए मैंने जो है देख देख के धीरे धीरे करके बाइक को पूरा पीछे की तरफ लिया। सोलो राइड का दोस्तों यही एक मज़ा होता है, इसमें जो है फिजिकल एंड मेंटल दोनों का एकदम एक ही साथ टेस्ट हो जाता है। भाई मेरा मोबाइल में अभी इंटरनेशनल रोमिंग लग गया, एक फोन कर रहा हूँ, देखो क्या बोलता है। Your phone service has been suspended. For operator assistance, please dial 10086. देखो चाइना का रोमिंग में आ गया, मतलब कितना नजदीक जो है साला लोगों ने नेटवर्क लगाया होगा। वहाँ पे ना किबी तो दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आप लोगों को सीधा ही जाना है, लेकिन मैंने जो है गलती से राइट साइड में चला गया था। राइट साइड में जाने से एक दिक्कत ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है आप लोग मेसाई विलेज क्रॉस करने के बाद राइट साइड में बाइक लेके काहू तक नहीं पहुँच पाएंगे, बस चल के पैदल जो है लोग जा सकता है। किबी तो कहाँ से जाता है किबी तो हाँ से ऊपर से वो नहीं है। हाँ दोंग से किबी तो ऊपर ऊपर से ओ अच्छा टाटा। तो दोस्तों ये मैं आ गया मसाई विलेज पे। किबी तो यहाँ से जाता है क्या? ओ दोस्तों मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ किबीदो विलेज पे। दिस इज़ द गेट और आगे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से जो है पूरा चाइना का सब कुछ व्यू वगैरह दिखाई देता है। और यहाँ से परमिशन लेके आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं मेन किबीदो विलेज को देखने। जा सकते हैं किबीदो कौन सा साइड में है सर? बताए। अच्छा अच्छा तो परमिशन लेके आते हैं ना घूमने के लिए? हाँ 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 हम लोग को आई एल पी वगैरह बना के आते हैं। अच्छा इनर लाइन परमिट। अच्छा अच्छा ये किबीदो है सर। अच्छा अच्छा बॉर्डर है ये, यहाँ पे बॉर्डर है। हाँ ये किबीदो है सर, ये ऊपर आगे पूरा विलेज है, ऊपर यहाँ से आप चले जाइए। हाँ ऊपर आगे विलेज है। वो कहाँ है सर, क्या बोलते हैं इसको? काहू काहू तो पार है सर, उस साइड में है, वो
तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, वो जो आगे से एक ब्रिज है, ब्रिज से क्रॉस होना पड़ेगा ऐसे, वो ईसाई गाँव है ना जो, हाँ वहाँ से टर्न करना पड़ेगा ऐसे। अच्छा अच्छा, कौन सा है सर चाइना, वो है क्या वो सामने वाला दिख रहा है ना जो आपको वाइट वाइट से ऊपर, हाँ 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 वो पूरा वो जो थोड़ा छावनी जैसा दिख रहा है, हाँ, वो सर ऊपर थोड़ा ये जैसे वो पेड़ दिख रहा है ना उसके ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है ना, हाँ हाँ ये सब वो चाइना का है। तो दोस्तों ये रहा कि जो गाँव सर, गांव कहाँ तक है, यहाँ तक है क्या गांव, गांव विलेज हमको मालूम है। अच्छा अच्छा एक खत्म इतना ही है ना, इतना ही है सर। ओ अच्छा अच्छा, रोटी है हाँ आगे मिला की भी तो एकदम लास्ट है अभी, जैसे कि मुझे अभी काहू जाना है, सो काहू के लिए मुझे दूसरा कोई एक रोड पकड़ना पड़ेगा, सो वो रोड में अभी जाएंगे। तो दोस्तों मेरा मोबाइल में अभी यहाँ पे दो टाइमिंग दिख रहा है, एक है 3:32 जो इंडिया का टाइम है, एक है 1:02 जो चाइना का टाइम है, सो टाइम जोन भी चेंज हो गया मोबाइल पे। दीदी काहू का कौन सा रास्ता है, काहू काहू जाना है यह सर रास्ता है। दोस्तों आगे आप लोगों को जो रोड दिख रहा है, इस रोड का लेफ्ट में आप लोग जाएंगे तो जाएंगे काहू की तरफ, और अगर राइट साइड में जाएंगे तो पीछे की तरफ आप लोग चले जाएंगे फिर दोंग विलेज पे, इस बात को थोड़ा ध्यान पे रखें। जी दोस्तों एक सर काहू और कितना दूर होगा, काहू काहू जो गांव है काहू, हाँ अभी तो गुम्फा है, गुम्फा के बाद डिप्चो है, ज्यादा नहीं है ठीक है, यहाँ पे अपना 4 किलोमीटर के अंदर में ही होगा। सो दोस्तों मैं अभी हूँ काहू जाने का रोड में, दोंग से आने के बाद एक रोड जाता है लेफ्ट की तरफ जो जाता है किबितो, और एक रोड जो सीधा आ जाता है वो रोड जाता है आपका काहू की तरफ। देखते हैं काहू में रात को रहने का बंदोबस्त है कि नहीं, ट्राई करेंगे रहने का, इंडिया लास्ट विलेज एक रात तो रहने का बनता है। काहू तक नहीं जाऊँगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, अगर नहीं भी रह पाया रात को फिर भी जो है सर्किट तो पूरा हो जाएगा इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का। एकदम ही मेमोरी नहीं है, GoPro का मेमोरी कार्ड से जो है कुछ फाइल्स फ़ोन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। दोस्तों सेम फ्लैग्स जो है मैंने नॉर्थ सिक्किम में देखा था जब मैं कटाव जा रहा था तब, बाकी वैलीज देखिए और नीचे से जाता हुआ नदी। अगर काहू कौन सा है विलेज, यही है हाँ, डिचो और दूर है, जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पे लास्ट कितना तक जा सकता है, ब्रिज तक, हाँ तो घूम के आता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना सामने एक लास्ट पॉइंट है ब्रिज तक, क्या बोला वहाँ तक जाते हैं देन रिटर्न करेंगे। दोस्तों देखो ये है टोटल विलेज। सर आगे और नहीं जा सकते, ये लास्ट है। ओ काहू कौन सा, पीछे वाला विलेज है, विलेज
लास्ट है अभी वो एक रीच है ना। हाँ वो बॉर्डर है वहाँ से ऊपर चाइना, उसके बाद तिब्बत। ऐसे क्या कभी जाने नहीं देता है कि कभी हमेशा बंद? अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। यही है लास्ट, चले होम स्टे कहाँ पे देखते। चलिए यहाँ पे मेरा भी जो है स्टिकर लगा देता हूँ। होम स्टे एक मेरा आप टेन दिया। क्या टेन में बैठेगा? वो टेन में बैठने से कैसा, वो रूम में कैसा है? रूम में तो 15 ना देते हैं। वो एक आदमी का? ओ अच्छा, कहाँ पे टेंट? यहीं में बैठते हो? ठीक है। ये बाइक कहाँ पर रखे? बाइक आप चिंता नहीं है, ये इसी सामने रखो। ठीक है ठीक। तो दोस्तों टेंट में रहूँगा 500 रुपये, और अगर रूम देगा तो 1500 रुपये। नहीं है 1500 रुपये मेरे पास, टेंट पे रहूँगा। सो दोस्तों मैं अभी हूँ काहू का एक होम स्टे का अंदर। ये होम स्टे के बारे में मैं आप लोगों को जो है धीरे धीरे सब कुछ बताता जाऊँगा। वहाँ पे जो स्पेस जो आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पे मैं रात को टेंट करके रहूँगा, और सबसे पहले जो है थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होना है, देन रात को खाना वगैरह होगा। बाकी कल निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ से कल जाएंगे सीधा हॉट स्प्रिंग, फिर हॉट स्प्रिंग में नहा के फिर हम लोग निकलेंगे सीधा घर की ओर। दोस्तों टेंट वेंट सब कुछ सेट कर चुका हूँ, और खाना पीना भी हो चुका है। खाने में जो है अंडा करी था, फिर एक चटनी था, और बॉयल कुछ सब्जी था, बहुत टेस्टी था। सो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग पे आप लोगों को दिखाऊंगा काहू विलेज, टोटल यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का जो खेती बाड़ी बाकी सब कुछ कैसा क्या है। इस व्लॉग पे इतना ही। सो मिलते आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।